पहले ना आप बाइक दो, उसके बाद इनको बंद करो, बंद करो, नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के पंचवटी नाका पर। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का आक्रोश है, और आक्रोश भी होना चाहिए क्योंकि मुद्दा ही इस समय ऐसा है जहाँ एक बेटी की नृशंस हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद में उस बेटी के एक नहीं, दो नहीं, 35 टुकड़े करके उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। वहाँ आक्रोश है, आज भी यहाँ लोग जमाए, लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी है, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आमची वसई एक संस्था और दूसरी एक स्वास्थ्य सेवा संस्था, इन दो संस्थाओं ने अलग अलग तौर पर वसई में ये मोर्चे का आयोजन किया। वसई की अंबाड़ी रोड से लेकर पंचवटी तक एक मोर्चे का आयोजन करते हुए यहाँ मोर्चा लाए हैं, और उसमें कैंडल मार्च किया है, और ये आक्रोश प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश सिर्फ वसई का नहीं है, ये आक्रोश पूरे देश का है, और कहीं ना कहीं ऐसे कड़े कानून की आवश्यकता है जहाँ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वीडियो में देखिए इस आक्रोश की पूरी झलकियाँ। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। ये पूरा बहुत बड़ा परिंद्र है, बहुत बड़ा गैंग है, इसको सिखाया जाता है, और इसका सामने जाके बाइक पे खड़ा रहता है, और इनका पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है, और वो लड़कियों को प्यार का जाल दिखा के, प्यार का मोह दिखा के लड़कियों को पटाते हैं, समझा। उसका बाद उसका एक ही एजेंडा, उसको बर्बाद कर देना, प्रेग्नेंट होने का बाद भी उसको छोड़ देना, नहीं तो मार्केट में दिल्ली में जाके बेच दो। मेरा एक ही मांग है, वसई तालुके में जितना लड़कियां गैप है ये प्यार मोहब्बत का अंदर, इसका रीओपन होना चाहिए, और ये पूरा एंजॉय होना चाहिए। और जितना लड़कियां वसई तालुका, मैं तो पूरा देश का तो नहीं बात कर रहा हूँ, वसई तालुका जितना लड़कियां गायब है ये पूरा परिंद्र है, ये कोई अचानक हुआ घटना नहीं है। लेकिन आप जहाँ पे लव जिहाद की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उसके ऊपर कुछ विरोध होना चाहिए? नहीं, लिव इन रिलेशन जो होते हैं एक अलग बात हो जाता है, ओ नहीं, ये जो है ना, ये जो लव जिहाद जो होते हैं वो केरला से लेकर दिल्ली कश्मीर तक ये पूरा चालू है। इसके बारे में अभी आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके सरकार के माध्यम से क्या करेंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का गृह मंत्री देवेंद्र जी से भी ये निवेदन देने वाले है, जो आज का मीटिंग का बात, ये जितना भी ऑलरेडी लोरा साहब ने तो ये विषय परसों बोल दिया है, ये जितना लव जिहाद का मैटर है इसको रीओपन करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जितना लड़कियां गायब हो गए है, ये तो अभी अपन के सामने एक श्रद्धा आया, मैं तो एक दो तीन मैटर बसे में सौकड़ों मैटर, हजारों मैटर महाराष्ट्र में, इसको रीओपन होना चाहिए, एनक्वायरी होना चाहिए, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से आफ्ताब बार बार अपना बयान बदल रहा है, एक बार वो बोलता है हमने 35 टुकड़े किए, एक बार बोलता है हमने 16 टुकड़े किए, अभी तक पुलिस के पास 12 टुकड़े भी नहीं आए, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आफ्ताब को फांसी होगी? नहीं आए, 100% फांसी होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक ऐसे उसको लटकाना चाहिए, मतलब उसको पब्लिक के हाथ में देना चाहिए, 100%। हम लोग कैसे लव जिहाद है अपन अगर देखेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कैसे है प्यार अगर होता है तो आप टुकड़े करोगे? मैं बोलता हूँ प्यार करना तो सबने सिखाया है, प्यार तो हम बेटी से करते हैं, माँ से करते हैं, बाप से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है इसमें माँ बाप की भी कुछ ना कुछ गलती है? जब ये हो रहा था तब माँ बाप ने क्यों नहीं एक्शन लिया? बिल्कुल, इस बात पे मैं मानता हूँ माँ बाप की गलती हो सकती है, मगर माँ बाप ने जो कार्य किया है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। बस सही कर, हमें पता है उन माँ बापों ने 2 नहीं 10 बार नहीं 50 बार नहीं 100 बार, हमारे को पता है वो माँ बाप उनके घर गए, उनके पाँव पकड़े, उस लड़की के पाँव पकड़े हैं, ऐसे ऐसे माँ बाप है, वो लड़की मानी नहीं कि उस लड़के ने क्या जाल फंसाया, वो तो आपको मालूम है होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, मगर मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, सभी बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज है ना इससे बाहर आई है, आपको जब माँ बाप पैदा करता है ना, 9 महीने जो माँ पेट में कोख में लेके घूमती है ना, उसको पता है कि तुम्हारा जन्म और कैसे होता है। मैं तो बेटियों से निवेदन करूंगा कि आप इन चीज के माध्यम से ऐसे लफड़ों में ना पड़े, जो अपने माँ बाप बताते वही करे। और दूसरी बात यह है कि कोई माँ बाप बुरे नहीं होते, 25 साल तक जब कोई संभालने के औकात रखते तो 2% का एक अपताज हो या कोई भी हो, उसके पीछे आप कैसे चले जाती हो? आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं
आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ एक कैंपेनिंग चलाना चाहिए, लोगों को जो गुमराह और लड़की हो रही है उसका ब्रेन वॉश करना चाहिए। ये करने के बजाय आपको वो करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इसके माध्यम से भी हम लोग चल रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ, दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से, मैं दक्ष फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा लेटर भी बन गया है, मेरी 22 संस्थाओं से बात भी हुई है, मैं तो भारत सरकार से लेकर MP MLA सबको लेकर लेटर लिखने वाला हूँ कि माँ बाप के बिना पूछे अगर कोई बच्ची शादी नहीं कर रहे, ये कानून बहुत जरूरी है हमारे भारत में। दूसरे कानून आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मर्डर होते हैं उसको क्या होता है वो सच बात की बात है, मगर सबसे पहले बेटी नहीं बची ना तो हम भी नहीं बचेंगे, बेटी के बिना हम नहीं है। आपको पता रहेगा पहले बेटी होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहू होती है, उसके बाद संसार होता है। इसके लिए इन बेटियों को बचाना जरूरी है। 35 टुकड़े करने वाले जवानों, तो मैं तो सबसे पहले बोला हूँ रोड पे फांसी दो ऐसे लोगों को, दोबारा कभी जिंदगी में ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। और इससे आगे तो ज्यादा बोलना तो आप मीडिया को मालूम है, आप क्या बोलना है आप कर सकते हो, और मीडिया के माध्यम से मैं तो यही करूंगा, सबसे बड़ा भारत का मीडिया एक स्वतः स्तंभ ऐसा है ना जो हमारे देश को संभाल के चल रहा है, अन्यथा इन नेताओं की राजनीतियों के कारण ये बेटियां तो कहीं से कहीं चली जाती, मगर इन नेताओं ने ऐसी राजनीति की है आज तक कोई बेटियों के लिए कानून अच्छा बनाया ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ बेटियों को छेड़ते रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जनसंख्या में इकट्ठे होके हम भीड़ लगाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, दिल्ली में जाओ अभी भी क्या है, ये भी तो एक महाना तो बात ऐसी हुई ना कि हर केस में हर बार कैंडल जलती है, मार्च निकलता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो शून्य। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेंडल लगाओ, कान वो लो, मोमबत्ती लो, हाथ में लेते रहो, चलते रहो, जब तक तुम्हारे इधर कानून की व्यवस्था नहीं होगी। मैं तो भारत सरकार से यही बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में माँ बाप के बिना पूछे कोई लड़की शादी ना करे, ये कानून भारत में जल्दी आना चाहिए, अन्यथा ये जो बच्चियां है ना ऐसी लाइन तो छोड़ो, इससे आगे भी भयंकर कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, इंडिया के बारे में क्या हो रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपन ने हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।